व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू योर स्वेम। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मैं डेली न्यूज़ लाता रहता हूँ पूरे यूट्यूब वर्ल्ड से। गाइस, आज मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ एल्विश यादव के बारे में। सो जैसे आप लोग जानते हैं कि एल्विश यादव अपने सेकंड चैनल एल्विश यादव व्लॉग्स पे रोस्ट वीडियोज लाते रहते हैं। सो रिसेंटली उनके ऊपर पुलिस केस हो गया है। अब किसने उनके ऊपर केस डाला है, किस रोस्ट वीडियो की वजह से उन पे केस हुआ है, इन सब का तो कुछ पता नहीं चला। बट एल्विश यादव ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में कुछ फीलिंग्स शेयर करी। सो लेट्स चेक इट आउट। भाई आजकल माहौल इतना अजीब सा हो रखा है कि जैसे सपोज मैं रोस्ट निकाल रहा हूँ या कोई भी बंदा रोस्ट निकाल रहा है किसी के ऊपर, तो आगे से लोग उसको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लेते हैं। लोग क्या कर रहे हैं आजकल, सीधा केस टोक देते हैं। चलो वो भी कोई बात नहीं, मेरे ऊपर भी टोक दिया, और भी हैं भाई बंधु उन पर भी कर रखा थोड़ा केस वेस। तो यार ऐसे ना अच्छा लगता, माँ कसम मोटिवेशन सी जो मिल रही होती है ना वो डिमोटिवेट हो जाते हैं यार, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, समझ रहे होगे। तो ये सीन चल रहा, हर चीज़ सोच सोच के निकालनी पड़ रही है कि बहन जो कौन सा डिफेमेशन का केस टोक दे। वो एक आधे केस का भी टाइम लगेगा फुर्सत, मैं बताऊँगा। बाकी थोड़ा काम चल रहा है, जो बाढ़ पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ है वीडियो वीडियो आ रही है, भाई वीडियो आ रही है, वो सारी सोच सोच के बनानी पड़ रही है, बहन जो का तो कोई केस टोक दे। करते हैं, बहुत जल्दी आएगी। और यार एक चीज़ बताता हूँ, जैसे किसी ने केस ठोक दिया, कोई बड़ी बात नहीं है कि केस ठोक के दुनिया ठुक रहे हैं, केस ऐसे ही सोल्व भी हो जाते हैं जब ही, ठीक है। तो भाई बुरा इस चीज़ के लगता है कि यार जो चीज़ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बना रहे बंदे, उसको सेम वे में ले नहीं रहे, मजाक के तौर पर नहीं ले रहे, छो चढ़ता बाद में फिर जी करता है जो और कैडा रोस्ट बना दो। पर वो ये यार, ये जो लीगल चीज़ है ना, काश मैं पाकिस्तान में होता यार, काश। पर भाई देश का कानून भी सबसे जरूरी है, देश का कानून मानना जरूरी है। बहुत आईपीसी 500-509 बहुत सारी धारा है, ये सबको मानना जरूरी है। आप लोगों को भी मानना चाहिए, मैं भी मान रहा हूँ, ठीक है, बस यही बोलना था। और भाई जो मेरे को बोल रहा है कि भाई तुम रोस्ट बनाना छोड़ दे, क्यों छोड़ दूंगा भाई मैं रोस्ट बनाना यार, ये छोटी मोटी चीज़ चलती रहती है। बस मेरा दिल था कि आप लोगों से शेयर करूँ कि ये सब चीज़ें भी फेस करनी पड़ती है, बाकी रोस्ट वोस्ट अपने वैसे बनाएं कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। फ्रेंड्स, येस्टरडे फ्लाइंग बीस ने अपने चैनल पे न्यू वीडियो अपलोड करी जिसका टाइटल था आई नीड माई जॉब बैक। गाइज, आप लोग जानते हैं कि एयर एशिया एंड फ्लाइंग बीस्ट में जो टसल चल रहा था फ्लाइट सेफ्टी से रिलेटेड, वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। एंड नाउ फ्लाइंग बीस्ट ने एक लेटर भेजा है एयर एशिया को, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अपनी जॉब वापस चाहते हैं। सो इस पे फ्लाइंग बीस्ट ने क्या कहा, लेट्स सी दैट। सबको पता है कि एयर एशिया के अगेंस्ट मैंने कुछ सेफ्टी कंसर्न्स रेज किए थे। जब वो रेज किए थे तो लोगों ने कहा था कि क्यों कर रहे हो, दिस इज नॉट द राइट वे टू डू। मैंने राइट चैनल्स को अप्रोच किया, जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने सोशल मीडिया पे रेज किया। और ये सोशल मीडिया का प्रेशर ही था, ये आप लोगों का प्रेशर ही था, ये हमारी आवाज कलेक्टिव आवाज थी कि कुछ एक्शन लिया गया। तो आज से पहले बहुत सारी कंप्लेन रही है DDCA को, बट कुछ एक्शन नहीं हुआ क्योंकि किसी के पास एक कलेक्टिव वॉइस नहीं होती। मुझे लगा कि मुझे अप्रिशिएट किया जाएगा कि एक सेफ्टी कंसर्न मैं बाहर लेके आया, जनरल पब्लिक के लिए लेके आया, आई एम ट्राइंग टू मेक इंडियन स्काई सेफर। DDCA ने वो चीज़ें सही पाई, बहुत लोगों ने, हजारों लोगों ने RTI फाइल की, तो DDCA ने साफ कहा कि जो वो रेगुलर सेफ्टी ऑडिट्स करते हैं उनमें उनको कुछ ऐसा नहीं मिलता, बट जो स्पेशल सेफ्टी ऑडिट हुआ था विच वॉज आफ्टर माई कंप्लेन स्पेसिफिकली मैंशन इन RTI, दे फाउंड सिस्टमिक डिफिशियंसीज इन दैट, और एयर एशिया के टॉप ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर दिया गया। दिस वॉज ऑल ओवर द न्यूज, ऑल ओवर नेशनल मीडिया। पर उसका नतीजा क्या हुआ, द विसल ब्लोअर हु ट्राइड टू मेक द इंडियन स्काई सेफर, विसल ब्लोअर हु शुड बी अवार्डेड फॉर कमिंग अप, फॉर स्टैंडिंग अप, वाज फायर्ड फ्रॉम अ कंपनी। सो कंपनी इज जस्ट ट्राइंग टू सेट अ वेरी बैड एग्जांपल कि कल को अगर आप सही भी हैं, अगर आप सही भी हैं, लेकिन अगर आप हमारे खिलाफ, हमारे एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो आपको पनिश किया जाएगा। वो पनिशमेंट मुझे मिली, बट नाउ जस्ट टू सेट अगेन अ गुड एग्जांपल कि ये गलत है और मैं उसके खिलाफ फाइट करूंगा, आई एम सेंडिंग वन नोट टू रीइंस्टेट मी, give me my job back because I have done nothing wrong. Reinstating me back will is not something ki are ab hum kaise kar de, hum to galat ho jayenge. Nahi, it is just do what is right. Thank you. Let's move to next news. फ्रेंड्स, आपने ये चीज़ नोट करी होगी कि कैरी मिनाटी अपने सेकंड चैनल पे काफ़ी दिनों से लाइव नहीं आए हैं, उनकी न्यू वीडियो आने में काफ़ी टाइम लग रहा है। एंड रिसेंटली उनके एक चैनल कैरी मिनाटी पे 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। सो इन सब के ऊपर उन्होंने रिएक्ट करते हुए ये कहा कि Why am I late to this stupid me? Anyways, we hit 25 million. We are not just having fun. We are building a family. Baki video pe hi kaam kar raha hoon. Insert buddy wali jappi. चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। गाइज, आप लोगों को पता होगा कि डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट को ट्विच से बैन कर दिया गया था। अब उन्हें किस लिए बैन किया गया था, इसके पीछे क्या रीज़न था, टिल नाउ अभी तक कुछ पता नहीं चला है। सो इस पूरे बैन के ऊपर डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट वॉज काइंड ऑफ वरिड एंड उन्हें एनजाइटी हो गई थी। सो इसके ऊपर डॉक ने रिएक्ट करते हुए ये कहा कि See you guys right now. About how I've been really feeling about everything.
I've played sports my whole life. I've been in high pressure situations, free throws, a game on the line, obviously streaming in front of tons of people with the game on the line and knockdown. Man, oh man, I'm telling you right now, we lived a good life. Okay. And I'm telling you, I've never dealt with anxiety before. I never have. I'm usually just like, excuse me, move aside, move along. You know, we sort of overcome a lot of stuff in the past, right? And we've gotten to such a good point, ladies and gentlemen, Champions Club. We got to such a good point. I mean, I'm talking all cylinders firing. The conscious just feels extremely just incredible. And then to have that taken away from you and to not know why and to not know anything about it, not to be told nothing. Boom, taken, grabbed. Everything we built, all the eggs in one bucket, boom, taken away. The fact that I am here live on YouTube, it's been a fantastic return, I'm telling you, it is. But my anxiety levels are it's something that comes in these huge waves and I'm having a hard time dealing with it. I'll be honest. गाइज अगर आपको ये पूरा वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड सी फॉर योरसेल्फ। लेट्स जंप टू नेक्स्ट न्यूज़। फ्रेंड्स, 30th सितंबर संडे को कॉल ऑफ ड्यूटी का फाइनल मैच हुआ था डलास एम्पायर एंड अटलांटा फेस के बीच में। उस मैच ने ई स्पोर्ट्स की यूट्यूब गेमिंग हिस्ट्री में रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है विद 331,000 पीक व्यूअर्स, बिकॉज प्रीवियस सीजन का लाइव रिकॉर्ड है 200,000 व्यूअर्स। एंड उस मैच में डलास एम्पायर लीग के फर्स्ट एवर चैंपियंस बन गए हैं। सो गाइस, जीतने के बाद उन्हें चैंपियनशिप ट्रॉफी तो मिली ही, बट $1.5 million अमाउंट ऑफ मनी भी मिला है। सो माई बिग कंग्रेचुलेशन टू ई स्पोर्ट्स एंड डलास एम्पायर। लेट्स जंप टू नेक्स्ट न्यूज। गाइज, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इंडिया में पबजी गेम बैन हो गया है। फ्रेंड्स, मैंने पहले कवर किया था कि गवर्नमेंट की लिस्ट में ऑलमोस्ट 118 ऐप्स थे जिन्हें वो बैन करना चाहती थी। एंड टुडे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटी ने 118 ऐप्स इंक्लूडिंग पबजी मोबाइल को बैन कर दिया है इंडिया से। ये चीज़ होने वाली है पबजी इंडिया को पता था, इसलिए उन्होंने अपने एप्लीकेशन की प्राइवेसी पॉलिसी में चेंजेस किए थे। स्टिल इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी को बैन किया। इसके पीछे उन्होंने रीज़न ये बताया है कि PUBG Mobile has been banned under Section 69A of the Information Technology Act on grounds that they are engaged in activities which is prejudicial to sovereignty and integrity of India, defense of India, security of state and public order. Friends, India में 33 million active PUBG users हैं। आप लोग इस ban के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे comments करके जरूर बताइएगा। चलिए guys, अब आज के achiever से मिल लेते हैं। पाकिस्तानी bros reaction को मिल चुका उनका silver play button। My hearty congratulations to them. Guys, जो मुझे news भेजना चाहते हैं, first link in the description, and जो मुझे पहले news भेजेगा उसे मेरे description में credit भी मिल सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए एंड ऐसे ही डेली अपडेटेड यूट्यूब न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।